हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी लोगों का अकैड लर्निंग के चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्ड लीफ का एक्सपेरिमेंट। बहुत ही धासु है, जबरदस्त है, जोरदार है। कल के ही वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम लोगों इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे हुए। मैंने एनसीईआरटी की आपको इंपॉर्टेंस पहले ही बता दी है। कोटा के धासु धासु टीचर भी एनसीईआरटी को रिकमेंड करते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को आपको नहीं छोड़ना है। इंडिया के धासु धासु टीचर भी आपको रिकमेंड करते हैं एनसीईआरटी को। सो प्लीज, इसमें मैं भी एक हूँ जो आपको एनसीईआरटी रिकमेंड कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ए सिंपल अपैरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हमको चार्जेस अगर मान लीजिए हम लोगों को डिटेक्ट करने हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया। वो क्या था? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल इलेक्ट्रोस्कोप सॉरी सो इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेटल रोड बिकॉज हाउस्ड इन ए बॉक्स विथ टू थिन गोल्ड लीव्स अटैच्ड टू इट्स बॉटम एंड। व्हेन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नोब एट द टॉप ऑफ द रोड, charges flows onto the leaves and they diverge. The degree of the divergence is an indicator of the amount of charge. So basically होता क्या है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ऐसे रोड लगी हुई होगी, ऐसे यहाँ पे गोल्ड लगा होगा, गोल्ड लीफ। होता क्या है, जैसे हमने चार्ज दिया इसको, तो जैसे ही चार्ज देंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये लीफ ऐसे फैल जाएगी, मतलब ऐसे मान लीजिए ठक 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 ऐसे अलग हो जाएगी, ठक 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 ऐसे अलग हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? ऐसे अलग हो जाएगी, ऐसे। गेटिंग माई पॉइंट? दूर दूर चल जाएगी ऐसे, जितना दूर जाएगी उसी से हम लोग निकालेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और आगे समझते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। सेटअप कुछ कुछ इस तरह का था। इसका भी अलग मजा है यार, है ना, क्या बोलते हो? तुम भी सोचते हो ना एक बार यार इस पे लिखने का मजा हमें भी मिले। तो होता क्या है बेटा, मेटल नोब है, मेटल रोड है, यहाँ नोब है, नोब में चार्ज दिया, मेटल रोड से चार्ज अंदर जाएगी, रबड़ लगा हुआ है यहाँ पे ताकि फुल पैक रहे, ग्लास विंडो है और अंदर गोल्ड लीव्स है। जैसे चार्ज जाएगा ये फैल जाएगा, ये फैल जाएगा तो हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई चार्ज था। उसके बाद आगे देखा इलेक्ट्रोस्कोप, द सॉलिड गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा दिया हुआ है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इन ऑफ ए सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। आगे देखते हैं, स्टूडेंट्स कैन मेक ए सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप एज फॉलोज। टेक ए थिन एल्युमिनियम कर्टन रोड विद टू बॉल्स, वन सेकंड, विद टू बॉल्स एंड्स फिटेड आर हैंगिंग फॉर हैंगिंग द कर्टन, कट आउट ए पीस ऑफ द लेंथ अबाउट 20 सेंटीमीटर विद अ बॉल एट वन एंड एंड द अदर फ्लैटन द कट एंड। टेक ए लार्ज बोटल दैट कैन होल्ड दिस रोड एंड कॉर्क विच विल फिट इन द ओपनिंग ऑफ द बोटल, मेक ए होल इन द कॉर्क सफिशेंट टू होल्ड द कर्टन रोड स्नगली, स्लाइड द रोड थ्रू द होल इन द कोक विद द कट एंड ऑन द लोअर साइड एंड द बॉल एंड प्रोजेक्टिंग अबोव द कोर्क। हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं, फालतू की बातें। सबको समझाया है कि भैया आपको होल करना है, होल में रबड़ फिट करना है, रबड़ में रोड लगानी है, ऊपर मेटल नोब लगाना है, नीचे गोल्ड लीफ लगानी है, बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है सस्ती भाषा में, उसने यहाँ पे थोड़ी सी भाषा को महंगा करके बताया है, ठीक है, लैंग्वेज को। स्लाइड द रोड थ्रू द होल इन द कोर्क विद द कट एंड एंड द लोअर साइड एंड द बॉल एंड प्रोजेक्टिंग अप द कोर्क। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स द लीव्स ऑफ योर इलेक्ट्रोस्कोप, फिट द कोर्क इन द बोटल विद द अबाउट 5 सेंटीमीटर बॉल एंड प्रोजेक्टिंग अबो द कोर्क। ए पेपर स्केल मे बी पुट इन साइड द बोटल इन एडवांस टू मेजर द सेपरेशन ऑफ द लीव्स। अब एक पेपर स्केल हम लोगों को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ताकि हम लोग क्या करेंगे कि ताकि जितना भी ज्यादा फैल रहा है उसको मेजर कर सकें, ठीक है। सो द सेपरेशन इन इज रफ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप। सो टू अंडरस्टैंड हाउ द इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स, यूज द वाइट पेपर स्ट्रिप्स वी यूज्ड फॉर सीइंग द अट्रैक्शन ऑफ द चार्ज बॉडीज, फोल्ड द स्ट्रिप्स इनटू हाफ सो दैट यू मेक ए मार्क ऑन द फोल्ड, ओपन द स्ट्रिप एंड आयरन इट लाइटली विद द अमाउंट माउंटेन फोल्ड अप एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब होगा क्या बेटा यहाँ पे, एज शोन इन द फिगर 1.3। अब 1.3 फिगर हम लोग देखते हैं, 1.3 फिगर पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वन सेकेंड। होल्ड द स्ट्रिप बाय पिंचिंग इट एट द फोल्ड, यू वुड नोटिस दैट द टू हाफ्स मूव अपार्ट। अब तुम क्या करोगे, पतली सी स्ट्रिप लो पेपर की, उसको हाफ से फोल्ड करके उस पर हल्का सा आयरन करके इसे छोड़ दो, वो अपने आप दूर चल जाएगी। ये जो गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड लीफ का एक्सपेरिमेंट था, नॉट फॉइल का, जो लीफ का एक्सपेरिमेंट था, वैसा ही कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे भी पेपर से भी कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो यू विल नोटिस दैट द टू हाफ मूव अपार्ट, दिस शोज दैट द स्ट्रिप्स हैव अक्वायर्ड चार्ज ऑन आयरनिंग। इसका मतलब वो चार्ज हो जाती है आयरन करने पर,
ओके, सो व्हेन यू फोल्ड इट इनटू हाफ, बोथ द हाफ हैव्स द वन सेकंड, बोथ द हाफ हैव द सेम अमाउंट चार्ज, हेंस दे रिपेल ईच अदर. द सेम इफेक्ट इज सीन इन द लीफ ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप एज वेल. सो अब इलेक्ट्रोस्कोप तो तुम घर पे कहाँ बनाओगे, कहाँ गोल्ड लीफ वगैरह लेकर आओगे. इससे अच्छा है कि तुम लोग पेपर से ही कर लो ये चीज. क्या करो, पेपर फाड़ो, बताता हूँ तुमको. ऐसे पेपर लो, उसको ऐसे लीफ बनाओ, उसको फाड़ो, है ना, पतली सी लीफ बनाओ बेटा, ऐसे काच 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 ऐसे करो, ठीक है. और अभी क्या करो, ऐसा ऐसे लीफ है, अब इसको आयरन कर लो, एक बार लाइट आयरन कर, जलाना नहीं है इसको. पता पड़ा जला दिया पूरा, सर नहीं हो रहा तो कैसे होएगा भैया, जला हुआ है वो, ठीक है. तो जलाना नहीं है उसको, क्या करना है, पतला हल्का सा उसको आयरन करना है अपने को, उसके बाद उसको छोड़ देना है. जैसे ही छोड़ोगे दोनों अच्छे आएगी खर्र, ऐसे एक दूसरे से दूर चल जाएगी. इसका मतलब यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे तुमको दिखाई देगा व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट पेपर, ऐसे दूर हो जाएगी. इसका मतलब इस पर चार्ज आ चुका था जो इन दोनों को रिपेल कर रहा था एक दूसरे से, ठीक है. सो ऑन चार्जिंग द कर्टन रोड बाय चार्जिंग द बॉल एंड विद इलेक्ट्रिफाइड बॉडी, चार्ज इज ट्रांसफर टू द कर्टन रोड एंड द अट्रैक्टर एल्यूमिनियम फॉइल, बोथ द हाफ ऑफ द फॉइल गेट सिमिलर चार्ज एंड देयरफॉर रिपेल ईच अदर. सो द डाइवर्जेंस इन द लीफ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन देम. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया डाइवर्जेंस कितनी होगी, वो चार्ज पे निर्भर करती है कि कितना चार्ज हुआ है. एक बार में अगर कम हुई, एक में ज्यादा हुई, इसका मतलब जिसमें ज्यादा हुई उसमें चार्ज भी ज्यादा था, ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड हुआ. लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई मटेरियल्स बॉडी एक्वायर चार्जेस. अब वो चार्ज क्यों एक्वायर करती है उसको समझने का प्रयास करते हैं. वन सेकेंड. So you know that all matter is made up of atoms and molecules, although normally the materials are electrically neutral. So they do contain charges, but their charges are exactly balanced. Obvious baat hai. So the forces that hold the molecules together, the force that hold atoms together in a solid, the adhesive force of glue, force associated with the surface tension, all are basically इलेक्ट्रिकल इन नेचर. इसका मतलब यार हमारे एडेसिव में, हमारे इवन इसके अंदर जो हमारा सरफेस टेंशन है, हमारे जो एटम्स को होल्ड करने वाला, सब इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती है. इसका मतलब हम जो टेंशन नॉर्मल पढ़ते हैं उसमें जो किताब में लिखा आता है कि दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, तो बच्चे उसमें बड़े कन्फ्यूज होते हैं यार मैकेनिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का कैसे हो गया फोर्स. उसके पीछे रीजन यही है, सारे के सारे जो फोर्स होते हैं ना बेटा वो किस पे निर्भर करते हैं, वो निर्भर ही किस बात पे करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल नेचर पे. अराइजिंग फ्रॉम द फोर्सेज बिटवीन द चार्जेस पार्टिकल, दस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल परवेसिव एंड एनकम्पासेस ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड एसोसिएटेड विद आवर लाइफ. सो इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच ए फोर्स. ओके, सो टू इलेक्ट्रीफाई ए न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू एड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज. अब ये सिंपल सी बात है जो इसने यहां बताया है कि अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना हो तो उसमें से या तो चार्ज निकालो या फिर ऐड कर दो. ओके, सो आगे देखते हैं हम लोग यहां पे क्या बोला गया. व्हेन वी से दैट, वन सेकंड स्टूडेंट, व्हेन वी से दैट ए बॉडी इज चार्ज वी ऑलवेज रेफर टू द एक्सेस चार्ज और डिफ्लिक. यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है. देखो एक क्वेश्चन आया बेटा, उसमें क्या बोला गया कि एक बॉडी है, दिस इज न्यूट्रल बॉडी. अब क्वेश्चन पूछा गया कि देर इज नो न्यूट्रल, देर इज नो नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी. सो क्वेश्चन ऐसा बोला गया कि देर इज नो नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी. क्या ट्रू था कि फॉल्स था, क्या ट्रू था कि फॉल्स था, बच्चों ने फटाफट से बोला ट्रू ही है. सो देर इज नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है. अबे गलत है ये, हो सकता है कि इसके अंदर चार नेगेटिव, पांच नेगेटिव चार्ज हो, बट न्यूट्रल है इसका मतलब पांच पॉजिटिव भी होंगे, तो ये कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ये गलत बात है. तो इसने यही बोला है ये बात एनसीईआरटी ने कि व्हेन वी से दैट अ बॉडी इज चार्ज्ड वी ऑलवेज रेफर टू दिस एक्सेस चार्ज और डेफिसिट ऑफ चार्ज. हम लोग या तो एक्सेस चार्ज या डेफिसिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं. इन सॉलिड्स सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लेस टाइटली बाउंड इन द एटम आर द चार्जेस व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. जो हमने एक पर्टिकुलर बॉडीज का नाम लिया था ना, ये कुछ कुछ ही ट्रांसफर होती है. वो क्यों लिया था, क्योंकि कुछ कुछ में क्या होता है कि थोड़े से लेस बाउंडेड होते हैं, अपने घर परिवार से क्या कम लगाव होता है, उनको तो जल्दी छोड़ के भाग जाते हैं किसी और के अट्रैक्शन के चक्कर में. गेटिंग माय पॉइंट, होता है यही है बेटा ना, रियलिटी में भी यही होता है. सो ए बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली
देखो किसी और के पास पहुंच गया ना. सो नेगेटिवली बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वेन वी रब ग्लास रोड विद सिल्क, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रोड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ, दस द रोड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज. नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग. Also, the number of electrons that are transferred in a very small fraction, so the total number of electrons in the material body, also, so जो transfer होते हैं ना total के सामने बहुत कम होते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है. So also only the less tightly bound electrons in a material body can be transferred from it to another by rubbing. Therefore, when a body is rubbed with another, the bodies get charged, and that is why we have to stick to a certain pairs of material to notice charging on rubbing the bodies. So बेटा बहुत ही प्यारा सा मैंने समझाया आपको यहाँ पे, बहुत ही प्यारी थ्योरी यहाँ पे दे रखी है. होता भी क्या है ना कि जैसे मान लीजिए भैया ये हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन था, ये इससे कम इसका लगाव था, इनका जुड़ाव जो था वो कम था, बहुत कम अट्रैक्शन था इनका न्यूट्रॉन के साथ में, गड़बड़ों के साथ में. हुआ क्या कि यहाँ पे कोई और आया, उसने देखा कि इसने ये इससे अट्रैक्ट हुआ, बोला कि यार इनके साथ तो इतना अच्छा लग भी नहीं रहा वैसे भी, तो क्यों ना चला जाए यहाँ से, तो चल के उधर निकल गया. और जैसे ये चल के उधर निकला, ये वाले क्या हो गए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो चुके हैं. गेटिंग माय पॉइंट. तो ऐसी कहानी चलती रहती है जीवन में इनके, कई लोगों के एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के पास भी कई बार एक नेगेटिव चार्ज आके जुड़ जाता है. जैसे नेगेटिव चार्ज आके जुड़ेगा तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये सब बातें हैं बेटा जो हमने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ी है. बाकी आपको और भी ध्यान से पढ़ना है, एक बार फिर से रीडिंग करनी है, जरा सा भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना है. और ज़्यादा डाउट अगर आता है, सबके सामने बोलने में शर्म आती है, सो इंस्टाग्राम पे आना है और acad.learning, सॉरी स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, acad.learning इस नाम से आपको पेज मिलेगा. वहाँ पे आप सीधा आके डीएम कर दीजिए, वहाँ का डीएम डायरेक्टली टीचर तक पहुँच जाता है, मतलब मेरे तक पहुँच जाता है. गेटिंग माई पॉइंट. तो आप वहाँ पे आके भी हमको डीएम कर सकते हो. धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर. थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग.